ભારતીય પ્રવાસીઓને વધુમાં વધુ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ પ્રત્યે આકર્ષી શકાય તે હેતુથી આજરોજ અમદાવાદ ખાતે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ટુરમ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમામ પ્રકારની માહિતી આપવામાં આવી હતી. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની વાત આવે એટલે રોમેન્ટિક દેશ અને ધરતીનું ચિત્ર સામે આવી જાય. આજ દિન સુધી આ દેશની સુંદરતા આપણામાંના મોટાભાગના એ માત્ર ટીવી ચેનલ્સમાં જોઈ હશે, ત્યારે હવે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ટુરિઝમ દ્વારા અલગ અલગ સુવિધાઓ અને યોજનાઓ થકી ખૂબ જ સુંદર પેકેજ આપીને પ્રવાસીઓને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હોય છે. વર્તમાનમાં રોમાંચક શિયાળુ સ્પોર્ટ્સ પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે સ્કીઈંગ, ટોબોગેનિંગ અને સ્નો સ્નોબિંગ જેવી સુવિધાઓ મળી રહી છે. આ પ્રસંગે તેમણે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ટુરિઝમના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર રીતુ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય પરિવારોના મુસાફરો માટે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં 365 દિવસ સ્થળ તરીકે વધુમાં વધુ જતા થયા હોવાથી ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે, જેમાં 2018માં પ્રવાસીઓની સંખ્યા 8,09,940 થઈ હતી, ત્યારે 2019ના વર્ષમાં વધારેમાં વધારે પ્રવાસીઓ આવશે તેવી આશા સેવવામાં આવી રહી છે. ગ્રાન્ડ ટ્રેન ટૂર દેશની ટોચની એવી પેનોરેમિક ટ્રેન બનાવવામાં આવી છે. આ વખતે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ટુરિઝમ દ્વારા મુંબઈ, નવી દિલ્હી, બેંગ્લોર, અમદાવાદ, ચેન્નઈ જેવા શહેરોમાં રોડ શોનું કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ટ્રાવેલ ટ્રેડરો દ્વારા ખૂબ જ સારો આવકાર મળી રહ્યો છે. ધ્વનિ પંચાલ, ZSTV, અમદાવાદ. दिखाएं कि स्विट्जरलैंड में और क्या नया नया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑल्सो जो ट्रेंड्स हैं आजकल कि क्या इंडियंस को पसंद है, उसके बारे में हम बात करना चाहते थे. और ऑल्सो हम सबको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं, बिकॉज लास्ट 3 ईयर्स हमारा ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल रहा है. सो वी वॉन्ट टू थैंक अहमदाबाद एंड ऑल्सो से कि ये साल भी हमें सपोर्ट करो, आओ, बहुत कुछ है विंटर में, ऑटम में करने के लिए. ये स्पेसिफिक रीजन है. वहाँ पे जो देखने लायक है वो तो मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ, बट सहूलियत ये है कि एक तो हमारा वीज़ा सेक्शन बहुत ही एफिशिएंट है. तो सबसे ज़्यादा पहले लोग यूरोप जाते हैं तो वीज़ा से थोड़ा डर जाते हैं. एज लॉन्ग एज आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आपका वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हफ्ते में आ जाता है, इसलिए ज़रूरी आइए. स्विस एयरलाइंस हर रोज़ बॉम्बे और दिल्ली से डेली फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स है, पर वो ही खाली एयरलाइन नहीं है, बाकी सब गल्फ या यूरोपियन एयरलाइंस स्विट्जरलैंड आती है. कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं हर रेट पे. स्विट्जरलैंड में एज सच बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जो आप समर में आ सकते हैं, विंटर में आ सकते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं ऑटम की, जो इंडिया में इतना ज्यादा हमें दिखने को नहीं मिलता है. खाली अगर हम हिमालयस में जाएं या माउंटेन्स में जाएं तो ही दिखता है, पर हम ये बोलने आए हैं कि बहुत ही अच्छा सीजन है, रेट्स आर वेरी गुड, एयर फेयर थोड़े कम होते हैं, होटल रेट्स आर मोर फ्रेंडली, क्योंकि ये शोल्डर सीजन है. तो दिस इज ऑल्सो अ सीजन दैट अहमदाबाद और इंडियंस को ट्राई करना चाहिए. तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. इंटरलाकन, लुसर्न, ज्यूरिख, ये सब डेस्टिनेशंस तो इंडियंस जानते हैं, बट लेक जिनेवा रीजन बहुत ही ब्यूटिफुल, जो फ्रेंच पार्ट है वो है. सेंट मोरिट्स, जहाँ पे बहुत सारी शादियां हुई हैं ये साल, वो भी बहुत ब्यूटिफुल जगह है जाने के लिए. जर्मात है. और स्विट्जरलैंड का ये सबसे ज्यादा खास बात है जो लोगों को पता नहीं है, कि अगर आप खाली स्विट्जरलैंड जाएं 1 हफ्ते के लिए तो ऐसा है कि आप 3 देश तो घूमाएं यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सब एक ही कंट्री में है. हम लोग काउंट करते हैं ओवरनाइट्स, मतलब कि कितने नाइट्स इंडियन स्पेंड करते हैं होटल्स में, क्योंकि शेंगेन जोन में है इसलिए अराइवल काउंट करना मुश्किल है. तो 2018 में हमारे होटल ओवरनाइट्स हो गए 810,000. बट बहुत सारे लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एयरबीएनबी में रहते हैं, उनकी गिनती इसमें नहीं होती है. तो हमको लगता है कि हमारा अबाउट 1 मिलियन ओवरनाइट स्विट्जरलैंड में इंडिया से होता है, विच मेक्स अस द 6th